जितनी कंपनियां हिंदुस्तान में हमारे आई मेरे होश आने के बाद, जब भी पढ़ाई के साथ साथ मैंने देखा कॉलेज करने के बाद, सारी कंपनियां छोड़ी नहीं, हर जगह करते रहा, मेरा विश्वास हट चुका था इस कंपनी से। और तो अलग कहा, मेरी मैडम ने कहा आज के बाद कोई कंपनी में आप जुड़े तो आप जो है ये कंपनी में चले जाना और मैं अपने जो है जिंदगी खत्म कर दूंगी। कारण ये था, मैंने फोरवेयर का प्रोडक्टर लाने के बाद 1.5 लाख का प्रोडक्टर मेरे घर के पास रेल पटरी है उसके पार फेंका। उसी बीच में हुआ क्या, बिजनेस कहीं ना कहीं से आया, मुझे एलर्जी की दिक्कत थी, मैंने कहा बिजनेस तो मैं नहीं करूंगा। तो मेरे साथ के थे फ्रेंचाइजी मैनेजर सहारा के, वहाँ सितारगंज से अशरफ हुसैन जी, वो बात करते गए, उनको छींक में छींक आती थी। मैंने कहा यार आप 15 मिनट बात कर दी, आपने छींक क्यों नहीं आ रही भाई। बोला यार भट्टी एक मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक एलर्जी की बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया। मैंने कहा क्या है, भेजो अभी भेज दो, बारिश लगी थी। मैंने भेजा, उन्होंने कहा यार सर देखता हूँ मैं, यहाँ यह हद्दू चौड़ में जो है हमारा आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये इसकी जो है फ्रेंचाइजी थी, मैं वहाँ गया शाम को एक एलर्जी लॉग ले आया। वहाँ मुझे महेश पंजी मेरे परिचित, क्योंकि मेरे ऑफिस के ठीक बाहर जस्ट आते ही इनका वहाँ पर जो है एक्वा और चिमनी इमली का कारोबार था। अब मैंने किया, मैंने एलर्जी का प्रोडक्ट लिया। मैंने कहा यार होते रहता है, कंपनियाँ कितनी आई कितनी है, मुझे तो करना नहीं है और करूँगा भी तो मैं मैडम चाह दूंगा। अब हुआ क्या, मैंने डरा हुआ था फिर भी मैंने चोरी छिपे दवा ली, प्रोडक्ट लेते लेते मैंने 3 महीने बाद मेरे को तो घुटन सी होती थी, मैं रात में भी बैठ जाता था और बीपी मशीन चेक करता था, क्या हो गया मुझे क्या हो गया। श्वास की नली में स्वेलिंग थी, 2014 में मैंने ऑपरेशन कराया था नाक का, मेरा ऑपरेशन बिगड़ गया, श्वास की नली में स्वेलिंग और घुटन सी रहे मुझे, कितना खर्च कर दिया मैंने, जो भी हमारे पहाड़ी लोगों में होता है बबूती सारे कर दिए। अब बबूती क्या करेगी, वो तो श्वास की नली में स्वेलिंग है, एलर्जी है, और एलर्जी डॉक्टर से मेरा उससे आराम मिल गया। फिर मैंने कहा मैडम से भाई मुझे आराम हो गया, बोला हाथ में आराम हो गया काम मत करना, मैंने ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे का हाथ ऐसे कांपते थे छोटे, ऐसे 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 कांपता था, तो मैंने या विवेकानंद में दिखाया तो उन्होंने 7,500 का MRI कराया और 3 महीने की दवा दी, बच्चा दवाई नहीं खाए और कोई आराम नहीं। मैंने कहा इसमें कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट होगा, तो देवराडी सर ने कहा बिल्कुल है, उसमें मैंने उस क्या ले लिया, मैंने ब्रेन डॉग, ओनली ब्रेन डॉग लिया, पॉकेट पेनी नहीं थी, थोड़ा दिक्कत चल रही थी, तो मैंने ब्रेन डॉग लिया था, उसको थोड़ा आराम होने लगा, पापा मेरे को थोड़ा आराम होने लग गया। मैंने कहा चल ठीक है भाई। उसके बाद होते होते कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैडम को जो है उसी टाइम पर क्या हो गया प्रॉब्लम, उसकी जो है लीवर में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती करा। मैंने कहा क्या हुआ, डॉक्टर बोले इसके गॉल ब्लैडर पथरी है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने जो है नीलकंठ में दिखा, 3-4-5 डॉक्टरों से सलाह ली, तो सारे डॉक्टरों ने बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले डॉक्टर ने कहा कि इसका जो ऑपरेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैंने सबसे पूछा, देवराडी सर ने कहा इसमें जो है हमारे ग्लूकोज का एक रिजल्ट मिला हुआ है, आप एक दो महीने देख के देख लो उसके बाद देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, वो प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने चेस्ट, मैंने कहा मैडम बोली मेरे को बहुत तकलीफ होगी। हुआ क्या, जब प्रोडक्ट काम करता है तो थोड़ा उथल पुथल करता है, उसको बार बार थोड़ा सा पेट साफ होने लगा, वो होने लगा, हाथ पांव होल का कंपन वाइब्रेशन। 20 दिन तो मैंने बिल्कुल, मैंने कहा कुछ नहीं होगा ठीक होगा, कोई नुकसान नहीं कराए ना। 20 दिन उसने कहा नहीं मैं मर जाती हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, बोला मुझे अजीब ही हो रहा है, क्योंकि वो सारा काम कर चुकी थी दवा। तो उसके बाद उस प्रोडक्ट देने के बाद मैं गया एक डॉक्टर के वहाँ, तो यहाँ लाइफलाइन में कौन, उन्होंने चेक किया, स्टार में दिया, 3 जगह मैंने जो है अल्ट्रासाउंड किया तो सारी पथरी जो है साफ। डॉक्टर बोले यार क्या हो गया, मैंने कहा कोई आयुर्वेदिक दिया, बोला हो गया पता नहीं है, तो हम समझ भी नहीं आ रहा। तो मुझे उसके बाद मेरी मैडम को भी लगा, मैंने कहा अब कोई नहीं मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, मैं नहीं करूंगा बिजनेस। बोला नहीं बता देना कोई बात नहीं, इस तरीके से कहीं गॉल ब्लैडर निकल जाता तो मुझे कितनी दिक्कत होती। मेरी मैडम आज पहले देखते उस टाइम पर, आज देखें मैडम स्वस्थ, और लोगों को बता रहा हूं मैं, अभी कोई कुछ काम नहीं करता हूं, कभी बता दिया किसी को प्रॉब्लम है तो आज मेरे पास लोगों की लिस्ट इतनी है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, उनको बता नहीं पा रहा हूं। आज मैडम और साथ साथ में तीसरे लेवल की मेरी तैयारी चल रही है और 13,000 की इनकम मैं यहां से कर चुका हूं। मैं सभी साथियों से कहूंगा ये कोई खेल नहीं है, कोई वो नहीं है, आप लोग विश्वास करें और करें और देखें, प्रोडक्ट जैसे बताया जाता है वैसे लें और अपना उज्जवल भविष्य करें। और मुझे भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं आगे बढ़ते चलो आऊंगा, आप सर लोगों का सबका सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सब लोगों को धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। कहीं